जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इंदलो की मशहूर ऊन मार्केट है, जहां आपको ऊनी कपड़े, ऊन के रॉ मेटेरियल, इस तरह की आइटमें मिल जाते हैं बहुत ही। यहाँ शुरू में हमें ऊन देखने को मिली, ऊन पता करते हैं ऊन किस किस प्राइस की हमें यहाँ पे देखने को। ये 30 रुपए का एक गोला है, ये 30 रुपए का गोला पड़े, ये 10 रुपए, यानी कम से कम 10 रुपए से शुरुआत हो जाती है। ठीक है भाई, ये देखो ये स्टॉल हो गए तो जी भाई, ये देखो 100 रुपए शुरुआत है। स्टॉल देखो, अरे ये शॉल है पूरी बड़े साइज की, बड़े साइज की जी, ये का? हाँ जी भाई, पूरा शॉल का साइज है देखो, 150 में मात्र 150 रुपए। बहुत सारे ये वाला, ये भी 30 रुपए का। अच्छा ये स्वेटर बुनने का काम आता नहीं तो जी। अच्छा ये भी 30 रुपए का जो गोल, अरे वाह। अरे ये उनका क्या नाम है, उस उनका क्या नाम है, कैटरीना ऊन है। कैटरीना जी, कैटरीना क्या है, काफी मखमली है भाई। ठीक है भैया के पास गिराक है, ये देखो इस तरह लेडीज रखते हैं सारा काम जी, लेडीज 350। एक देखते हैं हुड, ये भैया हुडी मिल जाएगी आपको 350। यहाँ भी भैया हमें ऊन ही ऊन देखने मिली, यहाँ पता कर लेते हैं ये प्लाई के हिसाब से है। ये 4 प्लाई बता रहे हैं आप, इसमें आप टॉक वगैरह बना सकते हो। अच्छा लगभग कितना मीटर रहता है, 100 ग्राम 100 ग्राम रहेगा। एक जो स्वेटर बनाने के लिए कितनी ऊन की आवश्यकता होती है, एक स्वेटर बनाने के लिए कम से कम एक पॉइंट चाहिए 400 ग्राम, एक पॉइंट 400 ग्राम ऊन लगा रखी है। मान लो जैसे ये पकड़ते हैं, ये किस प्राइस रहने, गंगा कंपनी की, ये गंगा कंपनी का, ये किस प्राइस रहने वाला है। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं, और यहाँ एक भैया ने ना हाथ में ऊन ले रखी है, इनसे पता करते हैं ये भैया किसकी प्राइस दे रहे हैं। भैया ऊन जी 250 रुपए, ये देखो भैया कैसे ऊन कैसे लपेट देते हैं, ये देखो कलर बहुत है। अरे इसमें क्या फर्क है, कि थोड़ा नरम सा है ना, वैरायटी का फर्क होता है। मल्टी कैटरीना जी, कैटरीना कैफ वाला, कैटरीना हाँ कैटरीना। अच्छा भाई कैटरीना कैफ वाला है भाई, ये देखो ये मुझे कुछ मोटी ऊन सी लग रही है भाई, ये इंपॉर्टेंट ऊन है मफलर कैप के लिए। तो भाई यहाँ पर आपको जैकेटें मिल जाएंगी, ठीक है इस तरह की, ठीक है जैसे कि आप ये लो सर, ये मात्र 300 रुपए की है जी, बिल्कुल। अरे वाह, 300 रुपए की आपको जैकेट मिल जाती है, ये देखो भाई साहब ये है चीज यार, वाकई में यार 100 रुपए। अरे वाह, फर वाली है जी, फर वाली। अच्छा देखो अंदर फर है, ये जो ठंड में इस्तेमाल किया जाती है। तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पे इस मार्केट में ऊन ले ली, तो उसको बुनने के लिए आपको सिलाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ आपको सिलाई मिल जाएगी। तो भाई इस मार्केट में आपको ऊन की यानी कि कैप भी मिल जाएंगी, आप देखते हैं ऊन की कैप है बच्चों से लेके बड़ों तक की। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुण ब्लॉग पे, मैं आपका दोस्त आपका भाई अरुण वशिष्ठ आज आपको लेके आ गया इंदलोक ऊन मार्केट। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इंदलोक की मशहूर ऊन मार्केट है, जहां आपको ऊनी कपड़े, ऊन के रॉ मेटेरियल, इस तरह की आइटमें मिल जाते हैं बहुत ही सस्ते रेटों पे, होलसेल और रिटेल दोनों के अंदर। आज हम एक बार दोबारा इसके अंदर चलेंगे और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्या क्या क्वालिटी मिलती है, सब कुछ बताने की कोशिश करूंगा अपने इस वीडियो पे। बस आप वीडियो पे बने रहना। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन आपको इंदलोक ही पड़ेगा, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ये मार्केट शुरू हो जाती है। तो चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो बस आप वीडियो बने रहना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार सदैव ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ से देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ शुरू में हमें ऊन देखने को मिली, ऊन पता करते हैं ऊन किस किस प्राइस की हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। भैया ने 120 रुपये का लगा रखा है, यानी कि 120 रुपये शायद पाउंड होगा, पता करते हैं भैया से। भैया जी 120 रुपये पाउंड है, 120 रुपये पाउंड के हिसाब से आपको यहाँ पे इस तरह की मिल जाएंगी। और देखते हैं, और भैया जी ये 30 रुपये का ये लगा रखा है आपने, ये 30 रुपये का एक गोला है, ये 30 रुपये का गोला पड़ेगा। भैया जी कितना वजन होगा लगभग इसमें, 100 ग्राम। और भैया जी इसमें 400 ग्राम के आसपास है, तोल के मिलता है, यानी कि पाउंड मिलेगा 120 के हिसाब से। तो इस तरह की है। और भैया छोटे वाले किस प्राइस रहेंगे, छोटे जो ये 10 रुपये, यानी कम से कम 10 रुपये से शुरुआत हो जाती है। ठीक है, अच्छा भैया जी इनके अलग अलग काम होता है क्या, जैसे वो उनका इस उनका अलग अलग काम होता है, स्वेटर बनते हैं उसके, वो बनते हैं बंदर वाल का। अच्छा इन इन सबका स्वेटर बनता है, और 10 वाले का क्या बनता है भैया जी, बंदर वाल बनता है। ठीक है, तो भैया जैसे 30 रुपये के भैया ने बताया स्वेटर बनती है, 120 वाला जो पाउंड है इसका भी स्वेटर बनता है, और जो ये 10 रुपये के जो हिसाब से ऊन देते हैं इनका बंदर वाल बनता है। ठीक है, इस तरह की है। और देखते हैं और आगे चलते हैं, यहाँ लगभग सभी शॉप ऊन की है, तो आगे चल के देखते हैं हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। भैया शॉल वाले मिले, इनसे पता कर लेते हैं शॉल किस किस प्राइस की भैया रखते हैं। भैया जी किस प्राइस शॉल, 100 रुपये शुरुआत है शॉल की, और कहाँ तक जाती है भैया जी, तो 100 रुपये शुरुआत है, कहाँ तक जाती है भैया इसी रेंज, लास्ट स्टार्टिंग है भाई 3000, 3000 तक जाती है, 100 रुपये शुरुआत होकर 3000 तक आपको स्टॉल रखते हैं। मतलब 100 वाली कौन सी रहेगी भाई जी, दिखा सकते हैं भाई, ये देखो ये स्टॉल हो गए हैं तो जी भाई,
ये देखो 100 रुपए शुरुआत है इस तरह की, और काफी नरम है, ये भी नरम है यार, ऐसी बात नहीं है, लाइट वेट होगी, बुरा नहीं कह सकते, ठीक ठाक है। और इसके ऊपर का जाए तो भैया जी सोने से कम नहीं, खो जाए तो कोई गम नहीं, सोने से कम नहीं और खो जाए तो गम नहीं। और इससे ऊपर का हम जाए तो भैया जी आपको स्टॉल अगर चाहिए तो स्टॉल भी इसके ऊपर मिल जाएगा 150 रुपए में, वो 150 का मिलेगा। ये देखो 150 रुपए में भी स्टॉल है, 150 में भी है, ये 200 रुपए में भी है, 200 में भी एक, ये रेड वाला अच्छा लग रहा है, खोल के देख ले भैया जी पर, ये भैया ने 200 बताया था ना। हाँ जी। अरे वाह, 200 काम देखो, काम भी हो रखा है इस पे, ठीक है, इस तरह काम हो रखा है जो कि भैया 200 रुपए बता रहे हैं। और इसके ऊपर अगर जाए तो भैया जी इसके ऊपर भी मिल जाएगा, ये देखो एक ही आता है, ये भी 200 रुपए का है, ये भी 200 रुपए। अगर आप इसके बाहर से लेंगे तो आपको जैसे आप मान लीजिए रजौरी गार्डन से लेते हैं आपको 450-550 की रेंज में, वहाँ तो महंगा मिलेगा। और यहाँ पे ओनली 200 रुपीज, 200 रुपीज। ये मल्टी शेड में है, हाँ जी, ये भी 200 रुपीज, ये भी 200 रुपए का। और ये 350 में है, हेयर चल रही है इस टाइम पे बहुत। अरे वाह, ये तो काफी नरम सा लग रहा है, ये देखो इसके स्वेटर बहुत चल रहे हैं इस टाइम पे, हमने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए हैं ये पीस, बहुत बढ़िया, 350 की रेंज में, 350 रुपए, बहुत बढ़िया। और आपको अगर शॉल चाहिए, शॉल भी है, देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, शॉल भी दे लेते हैं भैया, शॉल भी रखते हैं, तो शॉल भी जगह देखते हैं, शॉल ये पूरा स्टॉल और शॉल का ही काम है। ये वाला स्टॉल भी 100 रुपए में है, ये 100 रुपए के अंदर मात्र, जी जी ये भी 100 रुपए में, ये वाला, अरे वाह, मात्र वाला घर में पहन लेंगे, ये भी ओनली 100 में, मात्र 100 रुपए का। और देखते हैं ये शॉल देखो, अरे ये शॉल है पूरी बड़े साइज की, बड़े साइज की जी, प्रॉपर साइज होगा, ओनली 150 में, 150 रुपए का। हाँ जी भाई, पूरा शॉल का साइज है देखो, 150 में, मात्र 150 रुपए, 100 रुपए शुरुआत है, काफी सारे अलग अलग, ठीक है, काफी अच्छा लगा भैया जी आपसे मिलके, ठीक है भैया। आपको शॉप नंबर नाम क्या रहेगा भैया जी? ब्यूटी बूल के नाम से। शॉप नंबर क्या रहेगा? शॉप नंबर 483। और इनके ये भी आप, ऊन भी आपका ना, अच्छा ये किस, अच्छा ऊन वाले भैया अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा भैया जी ये किस किस वैरायटी रहते हैं आपके ऊन की? ये 30 रुपए गोला है, 30 रुपए गोला है। अच्छा भैया जी ये जो बड़े वाला है, ये वाला, ये भी 30 रुपए का। अच्छा ये स्वेटर बुनने ही काम आता ना तो? जी। अच्छा और ये भी 30 रुपए का जो गोल, जी, जी, जी। अरे वाह। अच्छा ये उनका क्या नाम है, उस उनका क्या नाम है? ये मल्टी कलर है उस वाले की। ये मल्टी कलर है, और वो वाला उसको क्या बोलते हैं भाई जी? वो तरंग ऊन है, 3 तार वाले, तरंग 3 तार वाले। और भाई जी ये जो है ये किस, क्या नाम है इसका? ये कैटरीना ऊन है। कैटरीना जी, कैटरीना क्या अंदर है दो बोले। ये कितना बताया? ये 300 रुपए किलो है, 120 रुपए पाउंड, 120 रुपए पाउंड, 300 रुपए किलो। अच्छा भैया जी ये काफी मखमली है, ये किस लगी रहेगी? ये फर वाली 160 रुपए पाउंड है, 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 100 इस तरह काफी मखमली है भाई, ठीक है। भैया के पास ग्राहक है, भीड़ से लगी हुई है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, बहुत वैरायटी, परेशान नहीं करते, ठीक है। अच्छा लगा भैया आपसे मिलके, अपना नाम तो बता दो। मोहम्मद नौशाद हमारे दोस्त हैं, इस तरह का काम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं, अरुण व्लॉग यूट्यूब चैनल नाम है, ठीक है। हाँ इधर चलते हैं, यहाँ भैया हमें शॉल देखने मिली, गर्म कपड़े देखने मिली, स्वेटर मिली, भैया पता करते हैं भैया जी ये 250 की सेल है। अच्छा भैया थोड़ी बातचीत कर लें आपसे। अरे वाह, भैया को लगा देते हैं माइक ताकि भैया की आवाज़ हम तक साफ आ सके। तो भैया जी ये 250 की है सेल के अंदर, सेल के आइटम है 250 रुपये। तो जो गर्म जो कपड़े मिल जाएंगे, हाँ ये देखो इस तरह लेडीज रखते हैं सारा काम जी, लेडीज जेंट्स दोनों हैं, लेडीज जेंट्स दोनों रखते हैं। ये 250 बता रहे हैं भैया, इधर 350 की सेल में, लॉन्ग में शॉर्ट में दोनों मिल जाएंगे, 350 का ही मिल जाएगा आपको। ये देखो इस तरह का लेडीज है, 350 रुपए की सेल भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ये डिजाइन मिल जाएंगे मात्र 350। अच्छा बॉयज भी रखते हैं, हुड भी रखते हैं, ये हुड कितनी रहेगी भैया जी? 350 की, 350 एक देखते हैं हुड, ये भैया हुडी मिल जाएगी आपको 350 है भैया जी। कलर डिजाइन वगैरह बहुत है, अलग कलर डिजाइन आप देख सकते हैं, काफी सारी लगा रखी है भैया, सेल का बोर्ड भी लगा रखा है जो कि 350 और 250 रुपए लेडीज और जेंट्स दोनों रखते हैं। और अभी हमने जैसे सब चीज मिल जाएगी, शॉल ही मिल जाएगी, शॉल किस प्राइस से शुरुआत हो जाती है भैया लगभग? भाई 750 रुपए की रेंज से स्टार्ट है जी, और कहाँ तक जाती है? 750 से 1100 तक। एक आधा पीस देख लें 750 वाला कौन सा रहेगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था वहाँ 100-150 रुपए शुरुआत है, 200 रुपए जब प्राइस आपके 200 रुपए से जी, 200 जो एवरेज है, जैसे 750 में थोड़ा अच्छा आ जाता है। अच्छा 750 वाला एक पीस देख सकते हैं भैया जी हम? अरे ये लगा रखे, ये 750 की रेंज के भैया जी, ये 750 रुपए की रेंज के भैया, ठीक है इस तरह की। तो अच्छा लगा भैया जी, आपके शॉप नंबर क्या रहेगा? अच्छा ये गर्म सूट है भैया जी, जी ये गर्म सूट किस पैसे पड़ेंगे भैया जी? ये हाँ जी क्या रेट पड़ेंगे? 400 रुपए के, नहीं नहीं ये पड़ेगी 600। ये जो सामने देख रहे हैं जो गर्म सूट है लेडीज़, 600 रुपए कोई सा भी ले जी। अच्छा कुछ भैया जी कुछ कम ज़्यादा हो जाता है या फिर फिक्स ही है? फिक्स प्राइस है जो आप बता रहे हैं, 600 रुपए बिल्कुल फिक्स प्राइस है, ठीक है। अच्छा लगा भैया से मिलके, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और आगे चलते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ भी भैया हमें ऊन ही ऊन देखने को मिली, यहाँ पता कर लेते हैं भैया यहाँ किस किस प्राइस से हमें ऊन देखने को मिलती है। भैया जी ये किस किस प्राइस की भैया जी?
ये 20 रुपए की एक है। अच्छा ये 20 रुपए का है, 30 रुपीज। अच्छा ये भी 30 रुपीज। अच्छा भैया जी इसमें और इसमें क्या फर्क है इन दोनों में? अच्छा इसे प्लाई का सिरा साफ होता है, माइक लगा दूं भैया ताकि आपकी आवाज़ हम तक साफ हो सके। ठीक है ये प्लाई के हिसाब से है, ये 4 प्लाई बता रहे हैं आप? जी हाँ, इसमें आप सॉक्स वगैरह बना सकते हो। अच्छा और ये? इसमें आप कवर बनते हैं, इसके कवर बनते हैं। जी हाँ चलो बहुत बढ़िया, और देखते हैं इसके अलावा भी भैया के बहुत और भी अच्छे अच्छे। 50 रुपए का बॉल है ये, 50 रुपए का है। इसमें लगभग कितना मीटर था भैया? 100 ग्राम 100 ग्राम रहेगा। बहुत बढ़िया, एक ये वैरायटी है 150 रुपए की, ये भी 50। अच्छा ये ऊन पतली है, ये मोटी है, ये कहाँ अलग अलग काम में इस्तेमाल होती है? अलग अलग काम है इनके, एक इतना मल्टी आता है। अच्छा ये देखिए वाह, कलर भी काफी सुंदर उठाया आपने, बहुत सुंदर कलर है 50 रुपए का। और देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या भी रखते हैं भैया? ये बॉक्स में क्या है? ये भी 80 रुपए का डब्बा है। अच्छा इसका वेट लगभग कितना रहेगा? इसमें 25-25-50 150-200 ग्राम का। अच्छा एक जो स्वेटर बनाने के लिए कितनी ऊन की आवश्यकता होती है? एक स्वेटर बनाने के लिए कम से कम एक पौंड चाहिए, 400 ग्राम। एक पौंड 400 ग्राम, ठीक है, यानी कि एक बड़े व्यक्ति की, अलर्ट व्यक्ति की स्वेटर बन जाएगी, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। चलो और देखते हैं इधर, देखो भैया इधर भी आपने काफी सुंदर सुंदर ऊन लगा रखी है। मान लो जैसे ये पकड़ते हैं, ये किस प्राइस रहने वाला है? 120 रुपए पाउंड है। 120 रुपए पाउंड है, चलो बहुत बढ़िया। और देखते हैं 100 रुपए पाउंड है, ये 100 रुपए पाउंड है। अच्छा इसमें इसमें क्या फर्क है? ये फैदर है, ये वूलन है। अच्छा फैदर ऊन है, ये भी सेम है, कलर अलग है ना? कलर डिफरेंस है, कलर अलग है। उसके आगे ये अलग है, ये 4 प्लाई की ऊन है। ये 4 प्लाई की ऊन है, ये किस प्राइस रही? 80 रुपए पाउंड है। 180 रुपए पाउंड है, चलो बहुत बढ़िया। और देख ले भैया जी ये सेम है, ये अलग है, ये अलग है, ये वर्धमान की है। हाँ जी ये 180 रुपए पाउंड, ये 180 रुपए, ये 180 की बताने। ये वर्धमान अच्छी कंपनी होती है क्या? जी हाँ वर्धमान। अच्छा अच्छा कंपनी 3 होती है, वर्धमान, ओसवाल और एक गंगा। अच्छा इन्हीं की ऊन आती है। अच्छा भैया जी ये जो पैकिंग के अंदर है ये क्या? कॉटन में बताएंगे भाई। अच्छा ये बताएंगे भैया जी ये लगभग किस तरह से पड़े भाई? वेलवेट की ऊन है। ये किस किस प्राइस पड़ेगा भैया लगभग? ये पड़ता है 275 रुपए का पैकेट पूरा। 275 लगभग कितना वजन होगा इसमें? 300 ग्राम 150 ग्राम का एक बोल है। अच्छा और ये भी सी का ये है या अलग है? ये 3 तार की बोल होती है। हाँ जी ये 30 रुपए का बोल है। 30 रुपए का, चलो बहुत बढ़िया। इस भैया के पास बहुत सी भैया के पास ऊन का ही व्यापार है हमारे पास। अरे वाह ये देखें पैकिंग देखें कितने सुंदर गंगा कॉटन यान। ये किस तरह रहने वाला भैया? 200 रुपए का पैकेट। 200 रुपए उसका लगभग वजन कितना रहेगा? 300 ग्राम 300 ग्राम 100 ग्राम का एक बोल है। चलो यानी कि ये स्वेटर बनाने का काम आता है, किसी और भी काम? सर जी काम आता है, कॉटन है, वूल नहीं है। अच्छा कॉटन है, चलो बहुत बढ़िया। काम में बैग वगैरह बनाने का बहुत सारी चीज आती है। अच्छा भैया जी आपका शॉप का नाम क्या रहेगा? ये भैया का शॉप का नाम है, एड्रेस आपको पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। आप आ सकते हैं और अपनी सूझबूझ अपनी समझदारी से आप एक अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। अच्छा लगा भैया जी आपसे मिलके। गंगा कंपनी की ये गंगा कंपनी का, ये किस प्राइस रहने वाला है? ये 80 रुपए का बोल है। 80 रुपए का, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 320 रुपए का पैकेट 400 ग्राम का। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद हमारे भाई हैं जो कि इस तरह का व्यापार करते हैं। काफी अच्छा लगा भैया से मिलके। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है खास इस मगर में। तो चलो भाई यहाँ चलते हैं और यहाँ एक भैया ने ना हाथ में ऊन ले रखी है, इनसे पता करते हैं ये भैया किसकी प्राइस दे रहे हैं। भैया ये किस प्राइस का है जो आपके हाथ में? 100 रुपए पाउंड है। अरे वाह 250 रुपए। ये देखो भैया कैसे ऊन कैसे लपेट देते हैं, ये देखो कलर बहुत है। तो ये एक पाउंड का एक है जो आप अच्छा जितनी है जितनी चाहिए उतनी मिलेगी पाउंड के हिसाब से देंगे आप। चलो जैसे ये गोला कितने लगभग एक पाउंड का होगा? 200 ग्राम का होगा ये। 200 ग्राम का है जी। चलो बहुत बढ़िया, दो गोले आएंगे तो ये 100 रुपए पाउंड। और भैया ये वाला जो 120 रुपए, ये 120 रुपए पाउंड। अरे इसमें क्या फर्क है? थोड़ा नरम सा है ना, वैरायटी का फर्क होता है, ये फेदर की है, ये लोकल होती है। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, चीज सारी बढ़िया होती है। और ये भी आपका, वो भी आपका क्या? जी हाँ। तो यहाँ भी थोड़ा बता दो थोड़ा, ये छोटे छोटे गोले कितने के देंगे भाई जी? ये 25 रुपए का सर। ये 25 रुपए, ये कौन सी ऊन होती है? ओसवाल की 3 धागे की। 3 धागे। और भैया ये जो है यली ऊन, ये 20 रुपए की, 100 रुपए की 5 है। 100 रुपए की 5 है। और ये जो इधर है जो मल्टी कलर बोलते हैं इसको, ये 30 रुपए का एक है। 30 रुपए का जी। अरे वाह। और ये स्वेटर भी आपकी है जी? जी। ये किस प्राइस रहेगी? 150 का ये। 150 रुपए का ना जी सर। चलो बहुत बढ़िया। इस तरह के हमारे भाई हैं जो आइटम बेच रहे हैं, और इनका पैक करने का जो तरीका है ना उनका, वो मुझे काफी सुंदर लगा। ये देखो एक मिनट से लपेट दिया। अरे वाह काफी सुंदर। अच्छा लगा भैया जी आपसे मिले। क्या नाम रहेगा आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद जी हाथ मिलाओ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ चलते हैं, यहाँ भी भैया हमें ऊन के आइटम देखने को मिलती है। यहाँ भी पता कर लेते हैं भैया जी आपको यहाँ पे। अच्छा वो भैया जी हैं तो यहाँ पता करते हैं। यहाँ भी काफ़ी सारी मुझे ऊन की आइटमें देखने को मिलती है, तो बातचीत करते हैं भैया से। तो भैया आपके यहाँ ऊन कम से कम कितने, कहाँ शुरुआत हो जाती है? कम
कम से कम हमारे 10 रुपए से स्टार्टिंग रहती है। 10 रुपए से 10 वाली कौन सी रहेगी भाई जून? 10 वाली दरअसल अभी हमारे डाल नहीं रखा हमने। अच्छा अच्छा, वो डाउन में पड़ा है। चलो ठीक है। और जैसे ये पकड़ते हैं, ये किस प्राइस रहेगा भैया? ये 30 रुपए का होलसेल रेट। क्या नाम है इसका? मल्टी बोलते हैं ना इसको, मल्टी कैटरीना बोलते हैं। मल्टी कैटरीना जी, कटरीना कैफ वाला कटरीना। हाँ हाँ कटरीना। अच्छा भाई, कटरीना कैफ वाला है भाई, ठीक है। कटरीना क्वालिटी का नाम है। अच्छा क्वालिटी का नाम है। हाँ जी। अच्छा और देखते हैं आगे। और भाई जी ये जो है ये ले, ये तो मेरे ख्याल से एक साइज का भी नहीं है, ये सब इंपोर्टेड है कि गोला बच जाता है, जो गोला बचा भाई ये सेल में निकालने का है। सेल में लगभग क्या हिसाब पड़ेगा इसका? ये 160 रुपए पाउंड करो, 160 रुपए पाउंड के हिसाब से। अरे वाह, इधर देखो, ये देखो ये मुझे कुछ मोटी ऊन सी लग रही है भाई। ये इंपोर्टेड ऊन है, मफलर कैप के लिए, मफलर के लिए बनाई जाती है। हाँ जी, हाँ जी। ये किस प्राइस के रहता है भाई? ये होता है जी अपना मफलर कैप, ये 100 रुपए पाउंड डाल रखी है हमने। वैसे हम 400 रुपए पाउंड बेचते हैं, अब 100 रुपए पाउंड डाले, थोड़ा थोड़ा बचा रहे। अच्छा, थोड़ा आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही काम करते हैं, एक्सपोर्ट वाला है तो ठीक है। और क्वालिटी होती है हमारे पास। हाँ, ये देखो मैं दिखाता हूँ भैया, ये जो ऊन है ये किस प्राइस की रहेगी लगभग? इसमें सब अलग अलग क्वालिटी लग रही है भैया। अच्छा, मान लो जैसे कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 240 से 260 किलो से, या पाउंड? पाउंड, पाउंड 500 रुपए के जो केलो, 600 रुपए। अच्छा भैया, एक स्वेटर बनाने में लगभग लगभग कितना पाउंड लगता है? पाउंड के हिसाब से आप दे रहे हैं? एक स्वेटर में एक पाउंड ही लगता है, हाफ बाजू। एक पाउंड लगता है हाफ बाजू का? हाँ जी। मान लो आप जैसा जो कोई व्यक्ति है, जैसे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, लगभग अच्छी क्वालिटी जो होगी वो एक ही पाउंड लगेगी। एक पाउंड। और जैसे अब ये भारी क्वालिटी 100 रुपए पाउंड वाली क्वालिटी पड़ी है ना, ये तकरीबन 1.5 पाउंड लगती है। 1.5 पाउंड लगती है। अरे आपने डब्बे में भी ऊन ले रखी भाई, ये किस पे रहेगी? ये वर्धमान का बेबी सॉफ्ट का डब्बा, बच्चों के लिए स्पेशली ऊन होती है। हाँ, बच्चों के लिए ऊन है। ये किस पे रहेगा भाई? ये 220 रुपए का डब्बा, 220 रुपए का डब्बा है। और लगभग भैया ऊन का ही व्यापार करते हैं, आप देख सकते हैं अंदर लगातार ऊन ही ऊन मुझे चारों तरफ देखने को मिल रही है। और ये क्या ऊन है भैया जी? कुछ अलग ही है ये भी, दरअसल इंपोर्टेड ऊन है। अच्छा, ये क्या नाम क्या रहता है के लिए? मफलर सैंपल टंगा। अच्छा, सैंपल भी है मफलर का। अच्छा, ये मफलर है, इस तरह का मफलर बन जाएगा। अच्छा भैया जी, ये किस हिसाब से रहता है लगभग? ये 400 रुपए पाउंड है। 400 रुपए 400 रुपए। हाँ, चलो भाई इस तरह के भैया रखते हैं। भैया जी, आपका शुभ नाम क्या रहेगा? मेरा मोहम्मद अजहर। मोहम्मद अजगर, अजहर, अजहर, ये मोहम्मद अजहरुद्दीन साहबते हैं वैसे। जी, जी, जी। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भाई से मिलके। भैया का जो शॉप है ना, ये है भैया का शॉप का नाम है। आपको पूरा एड्रेस तो नहीं लिखा भैया, क्या है तो शॉप नंबर करेगा? शॉप नंबर 476। 476, ठीक है। अच्छा लगा भैया से मिलके, जो कि ऊन का व्यापार करते हैं। और देखते हैं हमें इस मार्केट में क्या देखने मिलता है खास आगे। तो भाई यहाँ पर आपको जैकेटें मिल जाएंगी, ठीक है, इस तरह की, ठीक है। जैसे कि आप डेनिम जैकेट होती है, बच्चों की भी हैं, बड़ों की भी हैं। अरे यहाँ देखो, यहाँ जहाँ पता करते हैं भैया जी, आप यहाँ पे? अच्छा, अंदर हैं। तो यहाँ पता कर लेते हैं यहाँ जैकेट हमें किस किस प्राइस की देखने मिलती है। डेनिम वेनिम सभी प्रकार की हमें जैकेट देखने मिलती है, पता करते हैं भैया जी। आपके यहाँ कम से कम प्राइस की जैकेट कहाँ शुरुआत हो जाती है? कम से कम 300 रुपये। 300 रुपये दें तो 300 लेके देख सकते हैं किस तरह की जैकेट रहेगी। तो भैया जैकेटें भी यहाँ पे हमें मिलती हैं देखने को, आप देखते हैं 300 वाली जैकेट कौन सी है, देखते हैं। अरे यहाँ पे लगा रखे हैं सैंपल आपने सारे। अच्छा, ये लो सर, ये मात्र 300 रुपये की है जी, बिल्कुल। अरे वाह, 300 रुपये की आपको जैकेट मिल जाती है, जो कि बॉयज के अंदर है। ये देखो इस तरह की रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है। अच्छा, और इससे ऊपर जाएँ तो भैया जी? इससे ऊपर सब क्वालिटी मिलेंगी, देखें एक बार, देखते हैं इससे ऊपर वाली क्वालिटी। ये देखो, ये किस पे रहेगी भाई जी? 500 रुपये, मात्र 500 रुपये से होगी, जिससे कैप भी आ जाएगा, है ना, फर वर वाला सिस्टम है, ठीक है। रिवर्स वाली मिल जाती है, वही 500 रुपये। रिवर्सिबल भी है, वही 500। अच्छा, और इसके बाद अगर कलर ऑप्शन बहुत सारे हैं। अच्छा, कहाँ तक जाती है रेंज आपके? 2000 रुपये। बेस्ट क्वालिटी दिखाओ, जो आपकी शॉप की जो बेस्ट क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी। हाँ, जो आप 2000 की बेचते हैं वो भी देखें जरा क्या चीज़ है। 300 रुपये शुरुआत है, ठीक है। ये देखो भाई साहब, ये है चीज़ यार, वाकई में यार, जिस तरह प्राइस बता रहे हैं भैया उस तरह का ये आइटम भी है, ठीक है भैया, देखें एक बार। बिल्कुल। हाँ, कलर बहुत मिल जाएंगे, कलर मिल जाएंगे, इस तरह अंदर फर है, ठीक है, इस तरह का। ये देखिए क्वालिटी, ये देखो कैप भी मिलेगा, फर कैप अलग हो सकती है? हाँ बिल्कुल, कैप भी अलग हो सकती है, हर जैकेट का कैप अलग होगा। अच्छा, इसमें डेनिम भी रखते हैं क्या आप? डेनिम भी है। डेनिम किसकी वजह मिल जाएगी भैया? डेनिम ये लगेगी फाइनल 900 रुपये। 900 रुपये? अरे वाह, फर वाली है जी? फर वाली। अच्छा, देखो अंदर फर है, ये जो ठंड में इस्तेमाल की जाती है। अच्छा भैया जी, बिना फर वाली भी आती है, उसमें इसमें क्या फर्क रहेगा भाई? बिना फर वाली पड़ेगी 700 200 का फर्क है ना जी। बहुत बढ़िया। अरे ऐसे भैया ने ना, ऐसे भैया से निकलाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है। ऐसे भैया ने बहुत सारे सैंपल लगा रखे हैं, ठीक है। डेनिम में डिजाइनर पीस भी है ये। अरे वाह यार, ये तो इसके दो लोग बनते हैं। हाँ, एक ये वाला और एक ये वाला। अरे बहुत बढ़िया। ये किस प्राइस बताएंगे भाई? फाइनल 900। 900 रुपये। अच्छा भैया जी, ऐसे थोड़ा सा बता करें। अच्छा, जैसे ये है, ये काफी चलती है, ठीक है, लंबरगिरी बोलते हैं ना गाड़ी का नाम है शायद वो। ये किस प्राइस रहेगी भाई जी? ये 700। 700 रुपये की। अच्छा भैया जी, जैसे ये है,
ये पफर नाइक का, ये भी लेडीज के अंदर बहुत 700 हमारे पास, जेंट्स के अंदर, लेडीज के अंदर। अच्छा भैया जी, ये चीज है, ये किस प्राइस पड़ेगी? 750 700 रुपए, लगभग 700 रुपए की रेंज यहाँ पे लगा रखे आपने। एक ये देखिए, ये 800 रुपए फाइनल, 800 रुपए फाइनल। अरे यार ये देखो, ये चीज लग रही है भैया, ये किस प्राइस रहेगी? 700 700 लगभग, ये 700 रुपए के नीचे लेडीज की भी रखी है। लेडीज से कहाँ से शुरुआत हो जाती है लगभग? लेडीज की 500 से स्टार्ट, 500 रुपए 800 तक। इसके अंदर बहुत सारी कलेक्शन है, कलर्स बहुत मिल जाएंगे, सब कलेक्शन लगी हुई। अच्छा भैया जी, ये जो है ये किस प्राइस का रहेगा? ये 700 700 रुपए का, बहुत बढ़िया। भैया के पास बहुत सी, ये रे भाई 500 वाली दिखा दो, 500 वाली, ये रे भाई दिखा दो 500 वाली, जैसे ये 500 रुपए की है। हाँ जी। अच्छा भाई ये 500 रुपए की है, मैं आपको एक पीस दिखा देता हूँ, ठीक है? ये इस तरह का रहेगा। भैया जी आपके शॉप का नाम क्या रहेगा भैया जी? बुद्धा जैकेट। ये देखो बुद्धा जैकेट के नाम से भी रखा है, 502 नंबर, 502 शॉप नंबर है, आप आ सकते हैं और काफ़ी अच्छे रेटों पे आपको यहाँ जैकेट मिल जाते हैं। भैया कुछ यानी कि बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, फिक्स ही प्राइस है? नहीं, बार्गेनिंग भी लेते हैं, फिक्स भी होते हैं। हाँ तो जब आप आएंगे तो आप देखें ना, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी से आप अच्छी खरीदारी। और लेदर भी है क्या? ब्लेजर, अच्छा ब्लेजर, ब्लेजर तो अच्छा लगा भैया जी आपसे मिलकर। आपको शुभ नाम क्या रहेगा? मलिक। मलिक हमारे दोस्त हैं जो कि इस तरह का व्यापार करते हैं, अच्छा लगा। और देखते हैं हमें इस मार्केट में क्या देखने को मिलता है खास। तो भाई जैसे कि आपने यहाँ पे इस मार्केट में ऊन ले ली, तो उसको बुनने के लिए आपको सिलाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ आपको सिलाई मिल जाती है। मैं और सिलाई के साथ आपको बटन ही मिल जाएंगे, ठीक है, जो स्वेटरों पर लगते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें जो भैया रखते हैं, पता करते हैं। भैया जी ये सिलाई जो है, मैं आपको पहले माइक लगा दूँ ताकि आपकी आवाज़ ना हम तक साफ हो सके। तो भैया जी सिलाई कहाँ शुरुआत होती है और कौन सी सिलाई किस ऊन में यूज़ होती है, थोड़ा बताएंगे? ये सिलाई होती है सिंगल जीरो से स्टार्ट, सिंगल जीरो से स्टार्ट है, ये सिंगल जीरो वाली है? हाँ जी, ये सिंगल जीरो वाली। ये किस प्राइस पड़ेगी? ये पड़ेगी 70 रुपए की, 70 रुपए की। और डबल जीरो आती है ना? डबल जीरो आती है। डबल जीरो कितनी पड़ेगी? वो भी 70 की पड़ेगी, 70 की। कहाँ पे है आपके पास अभी रखी हुई है? वो अभी नहीं है। अच्छा, जैसे ये जो है ये कितने कितने, ये 7 नंबर है? हाँ। ये 7 नंबर कितनी पड़ेगी? ये भी 70 की, 70 रुपए की। ये तीनों 70 रुपए की, तीनों 70 रुपए की है। अच्छा जो 000 है वो 80 रुपए की। अच्छा मान लो जैसे सिंगल वाली है, ये एक नंबर, ये भी 70 रुपए की है? हाँ जी, ये एक नंबर है भाई, ठीक है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये भैया ये क्या चीज़ है? ये सिलाई है, ये भी, ये सिलाई, ये भी। हाँ। ये किस प्राइस पड़ेगी? ये 20 रुपीज़, 20 रुपए की। ये किस काम आती है भाई जी? ये भी पायदान वायदान के बनाने। अच्छा, पायदान वायदान बनाने के काम आती है, ठीक है। और देखते हैं, ये क्रेशिया है लंबा। अच्छा, ये किस काम आता है? ये शॉल बनाने के काम आता है, शॉल बनाने के काम आता है। ये देखो ये कितने पड़ेगा भैया जी? 20 रुपीज़, 20 रुपए का। और भी देखते हैं भैया क्या क्या रखते हैं, इधर चलते हैं। ये देखो ये क्या चीज़ है भैया जी? ये क्रोएशिया है, ये भी छोटा साइज आगे ना, स्वेटर बनने का, स्वेटर। ये किस प्राइस रहेगा? ये 10 रुपए का, 10 रुपए का। चलो भैया ये क्या चीज़ है? ये प्लास्टिक की निडल है। अच्छा, ये कितनी पड़ेगी? ये स्वेटर सिलने की है, 10 की है, स्वेटर सिलने की है। अच्छा अच्छा, और भैया ये क्या चीज़ है? ये पाइप है, झालरों में लगते हैं, झालरों में लगते हैं। ये किस प्राइस पड़ेगा? ये 10 रुपीज़ का पैकेट है, 10 रुपए का। अरे इधर भी तो आपने ये लगा रखे हैं, यहाँ पता कर ले भाई जी, यहाँ देखते हैं। ये 10 नंबर क्या है? ये सिलाई है, ये ये भी सिलाई है। हाँ जी। ये किस प्राइस पड़ेगी? ये 20 रुपीज़ की है, 20 रुपए की। और भैया ये भी 20 की, जोड़ा आएगा ना, जो आप प्राइस जोड़ा आएगा ना सर, ये भी 20 रुपए का, 20 रुपीज़। ये नंबर का फर्क है क्या? हाँ। अच्छा, छोटा पड़ेगा भाई, फर्क है इसमें, ठीक है। और देखते हैं और भैया क्या रखते हैं हमारे पास। ये क्या, ये किस प्राइस रहेगा? ये सबके अलग अलग प्राइस है, सबके अलग अलग है। हाँ जी। अच्छा, साइज के हिसाब से ना, कुछ देखो छोटा है, कोई बड़ा है, ऐसे जो उनका ऊपर का जो है खींचने वाला। ये कितने पड़ेगा लगभग? लगभग कहाँ से शुरुआत है? ये 70 रुपीज़ से स्टार्ट है। 70 रुपए लेके कहाँ तक जाएगा? 30 रुपीज़ तक, 30 रुपए लेके 70 रुपए तक। और मोती किस प्राइस पड़ेंगे? 10 रुपीज़ का पाउच। ये कोई सा भी ले, कोई सा भी। ये कहाँ काम आते हैं स्वेटरों के, जो डिजाइन के लिए? हाँ, डिजाइन के लिए होता है, थाल पस वगैरह में। और ये बटन, बटन ये प्रिंटेड बटन है, 20 रुपीज़ के 6 बटन, तो 20 रुपए का आएगा बटन। हाँ। है ये बटन कोई सा भी ले, 20 का ही आएगा। हाँ। अच्छा, ये बटन भैया 20 के बताने पैकेट। अभी ये बड़े बड़े बटन, ये 50 रुपीज़ के 6 पीस हैं, 50 रुपए के 6 पीस हैं। हाँ जी। अरे ऊपर ही भैया ने बटन बहुत सारे लगा रखे हैं यार, बहुत ही बढ़िया। 40 रुपए के 6 है, 40 रुपए के, ये भी 40 के है, ये भी 40 के 6। अरे वाह भाई वाह, ये हमारे भाई हैं, काफ़ी अच्छा लगा भाई। अपना नाम बता दो। मोहम्मद इशार। मोहम्मद इशार हमारे भाई हैं और इस तरह की ये चीज़ें बेचते हैं, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है खास। तो भाई इस मार्केट में आपको ऊन की यानी कि कैप भी मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं ऊन की कैप है, बच्चों से लेके बड़ों तक की कैप मिल जाएगी ऊन की, पता करते हैं। भैया जी ये माइक जो है ना आप लगा लो ताकि आपकी आवाज़ है ना लव में लगाए, आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके। तो जो ये कैप है अंकल जी, ये कहाँ से शुरुआत हो जाती है कम से कम? बच्चों में आप लेंगे, बच्चों में आएगी 60 रुपए से स्टार्टिंग है, 60 रुपए की कैप मिल जाएगी। 60 वाली कौन सी रहेगी बच्चों की भैया जी? ये 60 वाली। वाह, ये बच्चों की कैप है, ये 60 रुपए पड़ेगी मात्र, अच्छी क्वालिटी में 80 रुपए की है। ये अच्छी अच्छी क्वालिटी में लोगे तो 80 की पड़ेगी। ये देखो बेबी कैप बोलते हैं इसको,
ठीक है, इस तरह की कैप है। और ये दस्ताने है बच्चों के? दस्ताने 20 रुपए। 40 रुपए के? मेरे तो 20 रुपए। 20 रुपए, 20 रुपए पड़ेगा। इसमें कोई सा भी लें जी, आप इसमें कुछ भी लें आपको 20 रुपए पड़ेगा। और देखते हैं ये बड़ों की है बच्चों की? बच्चों की, स्कूल वाले हैं। अच्छा, स्कूल वाले बच्चों की। ये कितनी पड़ेगी भाई जी? 50 रुपए सिर्फ। 50 रुपए की पड़ेगी। अरे वाह भाई वाह। और देखते हैं भैया जी, ये बड़ों की? बड़ों की 110 रुपए की। बड़ों की 110 रुपए की, सही कैप है बड़ों की 110 रुपए की। बच्चे मिलेंगे और कलर भी आ जाएंगे। अच्छा, ये लेडीज है बच्चों की? है बच्चों की है, जेंट्स। जेंट्स है ये, देखो। ये कितनी पड़ेगी भाई जी? 120 रुपए। 120 रुपए, थोड़ी क्वालिटी भी आ गई है। अच्छा, कलर भी बढ़िया। हाँ, कलर भी आ गया। ये देखो इस तरह के। और ये लेडीज में आएगी गोल बड़ी। अरे वाह, ये देखो यार, ये लड़कियों की है ना? ये लड़कियों की 160 रुपए की। ये 160 रुपए की है, थोड़ी हल्की क्वालिटी आएगी 110 रुपए की। ये हल्की क्वालिटी में आ गया थोड़ा, 110 रुपए। हल्की तो नहीं बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे, पर वो कुछ स्पेशल है जी, वो ठीक है। और इधर चलते हैं जिसके साथ आज। ये कैप देखो, ये आजकल काफी चल भी रही है। ये कितनी पड़ेगी भाई जी? 160 रुपए। 160 रुपए फैंसी में आएगी, फैंसी में। और बच्चों के जैसे ये ऊन के जो ये हैं, ये 110 रुपए आएंगे। 110 रुपए के आएंगे। तो भैया ऊन के आप देखते हैं कितनी क्वालिटी लगा रखी है मैंने कैप की। यहाँ से शुरुआत हो जाओ और वहाँ तक देख लो, लेडीज जेंट्स सब में। ये बच्चों की ऊन की ये क्या है? ऊन के हाथ का बना हुआ स्वेटर है, ओनली 110 रुपए। 110 रुपए हाथ से बना हुआ स्वेटर है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। इधर चलते हैं, ये अंकल जी, ये वाली कैप कितनी पड़ेगी? ये 110 रुपए की जनाब। ये 110 रुपए। अच्छा, मफलर भी रखते हैं आप? मफलर किस वजह पड़ेंगे भैया जी? मफलर की सेल लगा रखी है 120 रुपए। कोई सा भी ले इस वजह? वर्धमान के हैं सारे, उलन वर्धमान के हैं। और ये 120 का भैया जी बता रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। ये क्वालिटी होगी। हाँ, क्वालिटी भी है, लिखा भी इसमें होगा। ठीक है, ये देखो। तो इस तरह के और कैप आप देखते हैं, मैं कैप के आपको डिजाइन दिखा देता हूँ, किस तरह के बॉयज गर्ल बच्चों के सभी तरह की कैप मिलेंगे। देखो इस तरह की, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा भैया जी। आपका शुभ नाम क्या रहेगा? एम डे मुकेश। बिल्कुल, ये मस्जिद के सामने इनकी शॉप है। ठीक है, जब आप आएंगे इंदर लोग, अच्छा लगा इनसे मिलके, इनसे बातचीत करके। तो भाई ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो चलो मिलते हैं दोबारा नई किसी वीडियो पे, जब तक के लिए हर हर महादेव।